देखो यार, पेट्रोल के प्राइसेस लगभग 110 रुपए को क्रॉस कर चुके हैं। इसके अलावा डीजल के प्राइसेस 100 के ऊपर जा चुके हैं। ऐसे सिचुएशन में इंडिया में सीएनजी कारों की और इलेक्ट्रिक कारों की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ चुकी है, और इनमें से कुछ कारें ऐसी भी है जिनके सीएनजी मॉडल का वेट लोग काफी लंबे समय से कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं अपकमिंग 6 सीएनजी कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा, जिनको बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। जो सबसे पहली कार आती है जिसको बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, वो है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट। हालांकि स्विफ्ट इंडिया की मोस्ट सेलिंग कारों में से एक है, ये एक एंट्री लेवल हैचबैक कार है। इसको इंडिया में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। कंपनी ने करंट मॉडल के अंदर 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन दिया हुआ है, जो कि लगभग 89 bhp की पावर आउटपुट और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर पाता है। और जो करंट मॉडल है स्विफ्ट का, वो लगभग 23 kmpl से लेकर 24 kmpl का माइलेज दे देता है। लेकिन जो सीएनजी वेरिएंट रहने वाला है स्विफ्ट का, उसके अंदर कंपनी 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन देगी और सीएनजी का जो माइलेज रहने वाला है वो लगभग 30 के ऊपर जा सकता है। इसके अलावा स्विफ्ट के सीएनजी मॉडल की कीमत 50,000 से लेकर 60,000 रुपए थोड़ी सी एक्स्ट्रा रह सकती है आज कंपेयर टू करंट मॉडल। और इस मॉडल को इंडियन मार्केट में फेस्टिव सीजन के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। जो सेकंड नंबर की कार आती है जिसके अंदर सीएनजी किट अवेलेबल हो जाएगा, जिसको बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, वो है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट डिजायर। हालांकि इसको भी इंडिया में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, ये भी मोस्ट सेलिंग कारों में से एक है, और इसके अंदर भी बहुत जल्दी मारुति सुजुकी कंपनी सीएनजी किट लाने वाली है। करंट मॉडल के अंदर 1.2 लीटर ड्यूल जेट पेट्रोल इंजन दिया जाता है, जो कि लगभग 23 kmpl से लेकर 24 kmpl का माइलेज दे देती है। और सेम इंजन स्पेसिफिकेशन के साथ मारुति सुजुकी कंपनी सीएनजी की किट लगवा सकती है, और इसकी कीमत लगभग 60,000 से लेकर 70,000 थोड़ी सी ज्यादा रह सकती है एज कम्पेयर टू करंट स्विफ्ट डिजायर मॉडल। इसको इंडियन मार्केट में इस ईयर एंड के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। वही जो थर्ड नंबर की कार आती है जिसके अंदर हमें बहुत जल्दी सीएनजी किट देखने को मिल जाएगा, वह है मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजा। ये एक कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी कार है, इसको भी इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। इसके सीएनजी मॉडल के अंदर हमें 1.5 लीटर फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिल सकता है सीएनजी किट के साथ, और इसकी जो कीमत रहेगी वो करंट मॉडल के मुकाबले 40,000 से लेकर 60,000 थोड़ी सी ज्यादा रह सकती है एज कम्पेयर टू करंट मॉडल। इसको इंडियन मार्केट में इस साल के एंड तक लॉन्च किया जा सकता है। जो फोर्थ नंबर की कार आती है जिसके अंदर भी हमें सीएनजी किट बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा, वो है टाटा के टियागो। हालांकि ये एक एंट्री लेवल हैचबैक कार है, इसके अंदर भी टाटा कंपनी बहुत जल्दी सीएनजी किट लाने वाली है। इसको रिसेंटली बहुत बार टेस्टिंग के दौरान स्पाइड किया जा चुका है, कुछ इमेजेस में स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। कंपनी इसके सीएनजी किट के साथ 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दे सकती है। इसके अलावा इसका जो माइलेज रहेगा वो लगभग 25 से लेकर 27 किलोमीटर पर केजी का हो सकता है। इसके सीएनजी किट की कीमत इंडियन मार्केट में 50,000 से लेकर 60,000 थोड़ी सी ज्यादा रह सकती है एज कम्पेयर टू करंट मॉडल। इसको इंडियन मार्केट में इस फेस्टिव सीजन के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। वही जो नेक्स्ट कार आती है जिसको बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा सीएनजी किट के साथ, वो है टिगोर। हालांकि रिसेंटली टाटा कंपनी ने टिगोर ईवी को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा टिगोर का जो सीएनजी मॉडल है, इसको बहुत बार टेस्टिंग के दौरान स्पाइड किया जा चुका है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक टियागो, इसके अलावा टिगोर, इन दोनों ही कारों का जो सीएनजी मॉडल है, इनकी जो टेस्टिंग है वो अब फाइनल स्टेज में है। लाइक इस फेस्टिव सीजन के आसपास इन दोनों कारों में से एक कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। टिगोर की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर भी हमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन देखने को मिल सकता है सीएनजी किट के साथ, और इसका माइलेज भी लगभग 25 से लेकर 27 किलोमीटर पर केजी का हो सकता है। ये एक्सपेक्टेड माइलेज मैंने आपको बताया है। वही कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि टोयोटा कंपनी बहुत जल्दी इनोवा क्रिस्टा के अंदर भी सीएनजी लाने वाली है। हालांकि इसके रिलेटेड ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर मतलब आपको एक छोटी सी हिंट दे दूं। तो अगर इसके रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन सामने आती है तो डेफिनेटली उसके ऊपर मैं अलग सा वीडियो बना दूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। तो ये 6 कारें इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है जिसके अंदर आपको सीएनजी किट देखने को मिल जाएगी। अगर आपको ज्यादा माइलेज चाहिए, अगर आप ज्यादा गाड़ी चलाते हो, तो डेफिनेटली आप इन कारों के लिए वेट कर सकते हो। इसके अलावा इन कारों के अंदर आप आफ्टर मार्केट सीएनजी किट लगवा सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की रहेगा। लेकिन बहुत जल्दी इन कारों को सीएनजी किट के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, तो डेफिनेटली इन कारों के लिए आप रुक सकते हैं। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।